सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणाएं या सौगातें मिलने की खबरें तो आम तौर पर पड़ी या देखी जाती हैं, लेकिन जब ये पता चले कि सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ करने जा रही है तो ये जानने में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की अपेक्षा प्राइवेट कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार कम ही कदम आगे बढ़ाती है। प्राइवेट कर्मचारियों को अब एक ऐसी ही सौगात सरकार की ओर से मिलने जा रही है। दरअसल अब सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपए तक होने जा रही है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। राज्यसभा ने ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश बढ़ाने संबंधी विधेयक को बुधवार को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह ही पास कर दिया था। इसके साथ ही इस पर संसद की मोहर लग गई है। लोकसभा ने भी इसे बिना चर्चा के ही पास कर दिया था। इस प्रकार विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि सभी दलों के सदस्यों के बीच ग्रेच्युटी संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने पर सहमति बनी है। इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने चर्चा किए बिना ही ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के साथ ही महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर भी मंजूरी मिल गई है। इस अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सीमा बढ़ाए जाने का भी विधेयक में प्रावधान है। बढ़ी हुई सीमा के बारे में सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी। निजी क्षेत्र के लिए आई डबल खुशियों से राजस्थान में भी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करोड़ों में है। इसी तरह से कई ऐसी कामकाजी महिलाएं भी हैं जिन्हें गर्भावस्था में दफ्तर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एनी मेंबर डिजायरिंग टू स्पीक कैन मे डू सो आफ्टर व्हिच द मिनिस्टर विल रिप्लाई। द क्वेश्चन इज दैट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 एज पास्ड बाय लोकसभा बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। दोज इन फेवर विल प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट विल प्लीज से नो। आई थिंक द आइस हैव इट, द आइस हैव इट, द आइस हैव इट। द मोशन इज अडॉप्टेड। वी शैल नाउ take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Chairman, amendment. Class 3 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by T. Subram Reddy. I don't need an amendment. Thank you very much, Subram Reddy. I shall now put class 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 3 is adopted. ऐसे में अब सरकार का ये कदम राजस्थान में बड़ी संख्या में प्राइवेट कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों को राहत देने वाला रहेगा।